देखो इस वीडियो के अंदर मैं उन 6 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको जनवरी 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। यानी ये 6 कारें अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और इनमें से कुछ कारें ऐसी भी है जिनकी अनऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप इन कारों को बुक कर सकते हैं अभी। वो कौन सी कार है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन जो सबसे पहली कार आती है जिसको अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है वो टोयोटा की तरफ से आती है। अगले महीने टोयोटा कंपनी इंडिया में हाइलक्स इस पिकअप ट्रक को लॉन्च करने वाली है जिसको ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी बेचा जाता है। टोयोटा की हाइलक्स एक मिड साइज पिकअप ट्रक है जिसको टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले 1968 में लॉन्च किया था। उसके बाद इस पिकअप ट्रक को ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। उसके पीछे रीजन इसका एक्सटीरियर लुक है, इसके अलावा इसका पावरफुल इंजन भी है। हालांकि इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और इसका एक्सटीरियर लुक काफी जबरदस्त है। इसका फ्रंट फीशा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इसका फ्रंट फीशा रखा है टोयोटा कंपनी ने। और इसके अंदर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर वाला ही इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है इंडियन मॉडल के अंदर। हालांकि इसके भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपको इसको बुक करना है तो आप इसको नजदीकी डीलर के पास जाकर टोयोटा हाइलक्स को आप बुक कर सकते हैं। इसको बुक करने के लिए आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के आसपास देने पड़ेंगे और इसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है। हालांकि इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में रहेगा आईसुजु डीमैक्स के साथ जिसकी कीमत 18 लाख रुपए से शुरू होती है। बेस मॉडल की एक्सट्रीम प्राइस हाइलक्स की कीमत 20 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी क्योंकि इसको इंडियन मार्केट में इम्पोर्ट किया जाएगा ना कि मैन्युफैक्चर। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है वो है किया की अपकमिंग एमपीवी कार करेंस। रिसेंटली किया कंपनी ने इसको अनवील किया था जिसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं इंटीरियर में और इसका एक्सटीरियर का लुक काफी ज्यादा फ्रेश रखा हुआ है। हालांकि इसका फ्रंट फीशा भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और रियर से दिखने में ये काफी बढ़िया लगती है। अगर किया कंपनी इसको एमपीवी सेगमेंट में उतारती है तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास रहेगी। अगर इसको एसयूवी सेगमेंट में उतारा जाता है तो इसकी कीमत 13 या 14 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। वहीं जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है वो है स्कोडा की कोडियाक का फेसलिफ्ट मॉडल। हालांकि ये ऊपर वाले सेगमेंट की कार आती है यानी एक्सपेंसिव सेगमेंट वाली कार है। इसको इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन इसका फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एक्सटीरियर में और इंटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस करे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा चेंज इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर किया जाएगा। जैसे कि अब इसके अंदर नया 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और इस इंजन के साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम भी मिलने वाला है। तो ये बड़े अपडेट्स किए जाएंगे स्कोडा कोडियाक के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर और इसकी जो कीमत रहेगी वो लगभग 35 लाख रुपए के ऊपर ही रहने वाली है। अगर मैं फोर्थ नंबर कार की बात करूं जिसका वेट लोग बेसब्री से कर रहे हैं वो है मारुति सुजुकी की जिम्नी। हालांकि ये ऑलरेडी सेल पर है ग्लोबल मार्केट में, मतलब जो मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी के कंट्रीज में, सिर्फ इसको इंडिया में लॉन्च करना बाकी है। मारुति सुजुकी की जिम्नी एक ऑफरोडर कार है जिसका मुकाबला महिंद्रा की थार के साथ है। इसके अलावा फोर्स की गुरखा के साथ भी ये कम्पीट करती है। इसकी कीमत इंडियन मार्केट में रहेगी 10 लाख रुपए के ऊपर बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो लास्ट नंबर की कार आती है फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर की वो है टियागो का सीएनजी मॉडल, इसके अलावा टिगोर का सीएनजी मॉडल। दोनों ही कारों का जो टेस्टिंग है वो अब फाइनल फेज में है। दोनों ही कारों को जनवरी 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है और इनकी भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनमें से किसी एक को अगर आपको बुक करना है तो आप नजदीकी टाटा के शोरूम में जाकर इनको बुक कर सकते हैं। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये सीएनजी कार होने वाली है तो इनका माइलेज 25 से लेकर 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज बताया जा रहा है। यानी 25 के ऊपर ही ये दोनों ही कारें माइलेज देने वाली है। तो ये 6 कारें थी जिनको जनवरी 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाना है। इनमें से किस कार का आप वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।